भारत देश को मंदिरों का देश कहा जाता है। इस देश में कई मंदिर ऐसे हैं जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई मंदिर तो सदियों पुराने हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर कई शासक बदले, कई साम्राज्य बदला, पर माँ विंध्यवासिनी मंदिर आज भी अपनी अलौकिक शक्तियों के साथ अपने स्थान पर पूरी भव्यता के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर से महज 8 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों में माँ विंध्यवासिनी का भव्य एवं अलौकिक मंदिर है। माँ विंध्यवासिनी का यह दरबार 51 शक्तिपीठों में से एक है, इसलिए माँ विंध्यवासिनी मंदिर को जागृत पीठ भी कहा गया है। माँ विंध्यवासिनी यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं, जिसमें पहला माँ विंध्यवासिनी, दूसरा माँ काली और तीसरा रूप माँ सरस्वती है, जिन्हें अष्टभुजा के रूप में भी जाना जाता है। आइए देखते हैं माँ विंध्यवासिनी के अद्भुत एवं दिव्य मंदिर की महानता को लेकर यहाँ के लोगों का क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं मनीष मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल कामया न्यूज नेटवर्क में। अभी आपको बताओ तो मैं उत्तर प्रदेश के विंध्यवासिनी मंदिर में आया हुआ हूं, जहां पर माता विंध्यवासिनी का प्रकोप रूप देके विराजमान हुई है। यहां की मान्यता है कि यह जो मंदिर है यह सदियों पुराना मंदिर है और लोगों की आस्था जो है यहाँ पर लगी हुई है माता रानी के दरबार के साथ। तो इस तरह से जो विंध्यवासिनी मंदिर है वो मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, तो इस विशेषताओं को जानने के लिए हमारे साथ हमारे गुरु जी मिले हैं। हम इनसे जानेंगे किस प्रकार से यहाँ की क्या विशेषताएं हैं और क्या इन्होंने अब तक यहाँ पर देखा है और क्या इनके पास जानकारी इस मंदिर को लेकर है। यहाँ का महत्वपूर्ण जो है पूरे विश्व में है और यहाँ हर चैत और आश्विन नवरात्र में मेले लगते हैं, जो जिस कामना से आता है उसकी कामना भगवती पूरी करती है। और यहाँ जो है हर ऋतु का आनंद जो है इस पहाड़ों पर है और इस पहाड़ पे जो है तमाम अनेक देवी देवता इन्हीं के ही स्वरूप में आते हैं। और आश्विन नवरात्र और चैत में जो है हर जगह के देवी देवताओं का यहाँ सम्मेलन होता है, जैसे लोग भगवती का दर्शन करने के लिए आते हैं। और पूजनी आज ही शक्ति है और जो जिस कामना से आता है उसको भगवती की कामना को पूर्ण करती है और इसमें जो है कोई संदेह नहीं है। तो सारे देवताओं ने, सारे भक्तों ने जो है स्मरण किया तो वह शक्ति पूज्य जो है प्रकट हुई, अपने पूरे स्वरूप से तो शस्त्रों से वो शोभित हुई। तो इन्होंने भक्तों पर, देवताओं पर ध्यान दिया, बोला कि आपको क्या कष्ट है। तो उन्होंने कहा कि मुझे महिषासुर जो जैसा राक्षस मुझे परेशान करता है, सहताता है, मेरे यज्ञ में विध्वंस करता है, इसलिए भगवती उनको सांत्वना दी, कही कि आप लोग घर घर के बैठे रहिए, हम इसको ठीक कर देंगे। भगवती उसका दमन की, इसलिए यह भगवती जो है विंध्यवासिनी पूजनी और माननीय है। जो जिस भावना से आएगा उसकी भावनाओं को देखते हुए भगवती जो है पूर्ण करती है। यह नहीं है कि उनका अलग से करें उनका अलग, जो जिस काम से आएंगे उसके कार्य को भगवती जो है पूर्ण करती है। बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आपने देखा कि बाबा ने जिस तरह से हमें बताया कि विंध्यवासिनी माता मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पर कृपालु जो भक्त लोग हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 मास 300 काल मतलब 365 दिन यहाँ पर माता रानी के दरबार में हुजूम जो है तांता लगा रहता है भक्तों का। और इन्हीं भक्तों के सिलसिले को देखते हुए माता रानी भी प्रसन्न होकर इन तमाम भक्तों की इच्छाओं को और मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और निकलते निकलते कुछ श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी इस मंदिर के साथ काफी लगाव है और काफी वर्षों से यहाँ पर वो आ जा रहे हैं। काफी युवा है वो देखने में तो ऐसे, लेकिन माता रानी का एक प्योर भक्त जो है कह सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल कुमार सिंह। उज्जवल जी, जिस तरह से देखे माँ विंध्यवासिनी यहाँ पर विराजमान है, काफी इनकी महिमा जो है निराली है। आप यहाँ आए हैं, क्या मुरादे थी आपकी और किस तरह से आप यहाँ पर आते हैं, कितने समय में लगातार यहाँ पर जो है सो आपका दर्शन? सबसे पहले तो हम आपके घर से आभार प्रकट करते हैं कि आप माता रानी के दरबार में आए। माता रानी का जितना बखान किया जाए उतना कम पड़े, क्योंकि माता रानी अपने आप में एक अलौकिक शक्ति है। इनके बारे में जितना बखान कीजिए कम पड़ेगा। इनके बारे में हम तो 14 से आ रहे हैं यहाँ से, 2014 से, और साल में 2-3 बार आते हैं।
माता रानी का सच्चे दिल से आप याद करके जो भी मनोकामना चाहते हैं वो पूरा होता है। अब इसमें कहने का कि जितना का कम पड़ेगा। तो देख सकते हैं जिस तरह से भक्तों का कहना है कि जो माता रानी की कृपा है वो निराली और अद्भुत है, इसके लिए कोई भी वर्णन करना एक महत्व छोटी सी बात होगी, क्योंकि माँ जो होती है वो कभी भी अपने भक्तों को और अपने बच्चों को निराश नहीं करती है। इसलिए यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर आने के बाद माता रानी की छटा और आंचल के नीचे इतना प्यार और सुकून पाते हैं कि जो एक बार यहाँ आते हैं दरबार में वो कंटिन्यू बार बार यहाँ पर आकर माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। अभिषेक पाठक के साथ मनीष मिश्रा, बिंदवास न्यूज़, उत्तर प्रदेश।